एसिडिक सॉयल पसंद है। इसके लिए हम कुछ ऐसा करें कि हमारे घर से ही कुछ चीज़ें निकलती हों तो हम अपने प्लांट्स को वो दें, ताकि हमें इतना बोझ ना लगे कि हम अपना प्लांट्स पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और कई बार ये होता है कि हम बाहर से खाद या कोई चीज़ ऐसी नहीं लेके आ सकते, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी वीडियो में थोड़ा सा ये अपने व्यूवर्स को बताऊं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। आप देख रहे हैं गुलाब की फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है, तो उसमें मैंने जैसे सूखी सुखा के चाय वेस्ट चाय की पत्ती है उसको डिब्बा बंद करके रखा, उसकी सॉइल वो भी सॉइल को एसिडिक बनाता है। आज का मेरा जो पॉइंट है वो है फिटकड़ी। फिटकड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि रॉक के रूप में हमें नेचर से मिलती है, और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दांतों के लिए, और झुर्रियों वाला चेहरा हो, हाथों पे झुर्रियाँ आ गई हों तो इसकी मसाज है। जेंट्स अगर शेव करते हैं तो उसके बाद अगर इसको लगाते हैं तो कई किसी भी स्थान पे अगर कट लगा हो ब्लेड से तो जख्म नहीं बनता। ये बहुत ही एक गुणकारी चीज़ है और इतनी सस्ती चीज़ है कि अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें अपने प्लांट्स के लिए ज़्यादा बोझ नहीं महसूस होता कि हाँ हमने बहुत ही महंगी और कॉस्टली खाद डाली है। तो अब ये देख रहे हैं आप मेरे प्लांट्स पे कितनी अच्छे बर्ड्स और फ्लावरिंग हुई है। तो ये मैं बस जस्ट यही है कि मैं थोड़ा सा अपनी किचन से जो सामान निकलता है वो यूज़ करती हूँ। ये फिटकड़ी मेरे हिसाब से 5 या 10 रुपए की होगी, तो इसे आप पाउडर बना ले ऐसे रोक के उसमें शक्ल में मिलेगी आपको, तो आप इसे पीस कर। आज भी हमारे घरों में अगर कोई बच्चों को दांतों का दर्द होता है या दांतों से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ होती है तो आज भी हमारी माएँ हैं वो फिटकड़ी पानी में घोल कर उसका कुरला करवाती हैं और उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। फिटकड़ी को एल्युमिनियम सल्फेट भी कहते हैं, एलम भी कहते हैं, इसको इंग्लिश का नाम एलम है। और अगर आप इसका यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स में तो आप विनेगर का यूज़ मत करें। और एक बात और है, जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है तो वो अपने आप ही हमारी सॉइल को एसिडिक बना देता है बरसात का पानी, तो उस स्थानों पर वो लोग ये फिटकड़ी का यूज़ ना करें, तो इससे हमारे प्लांट्स जलने का भी डर रहेगा। अब आप ये आधा चम्मच के हिसाब से लें और थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि इसमें फिटकड़ी में बहुत ही ज़्यादा एसिडिक पदार्थ होता है, तो इसे आप रख लें। और वैसे आप ये बोतल बना के रख लें तो तकरीबन आपको 15 दिन के बाद या 22 दिन के बाद आप अपने प्लांट्स में अप्लाई करें। सिर्फ आप ये एक गिलास आपने बनाया तो आप इसको 5 लीटर पानी में कम से कम डाल के इसको सभी प्लांट्स पे एक एक गिलास के हिसाब से दे दें, तो हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाएगी। एक मैं बात और बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे ऋषि मुनि बताते थे कि हमें एक जैसा खाना नहीं खाना चाहिए, उसी तरह हमारे प्लांट्स को भी एक तरह का खाना नहीं चाहिए। तो आप टाइम टू टाइम इसको इन प्लांट्स को आप हफ्ते में अगर आप एक बार फिटकड़ी का पानी देते हैं, दूसरी बार अगर चाय की पत्ती का पानी देते हैं, और नींबू से आप इसको सॉइल को एसिडिक बनाते हैं, तो इससे हमारे प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेंगे और बहुत ही ज़्यादा बुशी बनेंगे। एक मैं और बताना चाहूँगी, अगर आप फिटकड़ी का पानी इसमें डालते हैं तो हमारे प्लांट्स फूलों का रंग और पत्तियों का रंग गहरा बनता है, गहरे से भाव है, डल कलर के नहीं बनते। तो आप ये देख रहे हैं कितने गहरे कलर के फूल लगे हुए हैं। अगर हाइब्रिड में भी डालते हैं तो उनका कलर भी बहुत ही अच्छा बन के आता है। आप इस पानी को आप 5 लीटर पानी में डाल के आपने यूज़ करना है। इसमें आपने आधा चम्मच फिटकड़ी का एलम का डाल के इसको घोल लिया, और इसको हम तकरीबन 5 लीटर पानी में ऐड कर लेंगे। और कभी भी आप किसी भी प्लांट्स को आप डायरेक्ट अगर चाय की पत्ती भी देते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ये भी एक फिटकड़ी भी एक ऑर्गेनिक साधन है, किसी को भी आप डायरेक्ट मत दें, इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप हर प्लांट में
एक एक गिलास के हिसाब से, पौने गिलास के, और मेरे पोट जो है काफ़ी बड़े हैं और मेरे तकरीबन दो दो प्लांट्स लगे हुए हैं, इसलिए मैं एक गिलास के हिसाब से इसमें डालूँगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और किसी अन्य ऑर्गेनिक तरीके को लेके मैं फिर हाजिर होंगी आपके साथ। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।